सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। फर्स्ट टाइम इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D, ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। मतलब GTA 5 नियम खेल रहे, बट इसको इंडियन GTA 5 कहते हैं यार। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब आप ये कह लो कि मोबाइल की GTA 5 ये ही है इंडियन बाइक ड्राइव 3D। यार मेरी बात सुनो यार। देखो यार, मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ आज से। हम इंडियन बाइक ड्राइव 3D स्टोरी टाइप वीडियो बनाएंगे, बट आज स्टोरी टाइप नहीं है। मैंने सोचा यार, ये अपडेट के अंदर जब से आया है मैं इसको सिर्फ देख रहा हूँ, कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तो चलो आज कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि ये किस प्रकार से। अरे ये क्या, अबे लंबूचड़े तू कहाँ से आ गया। अबे देख यार, ये देख वहाँ पे हमारी सड़कों के ऊपर ये ख़त्म नहीं होते, और यहाँ पे गेम के अंदर भी। भाई जिंदगी तो लू लोगी, पीके ने सही कहा था। अच्छा यहाँ से अभी ये देखो भाई, अभी मैं क्या करूँ, लिटरली बताओ मैं क्या करूँ। ओए मुझे सबसे पहले एक काम करना चाहिए, एक मिनट सबसे पहले नीचे उतर। हाँ अभी नहा क्या? नहीं, नहाने वाला सीन नहीं है यहाँ पे। मैं लिख के बटन शटन ख़त्म कर दूँ, ये कुछ गलत लग रहे हैं। मतलब UI ऑफ करना है ना भैया, UI ऑफ करना है ना। अरे हो गया क्या, बट सही तरीके से नहीं हुआ, सही तरीके से हो गया। चल अभी बैठ जा, अभी इसके ऊपर बैठ जा। हाँ चल, अभी हम यहाँ से निकलते हैं। और प्यारे दोस्तों देखो यार, इंडियन बाइक ड्राइव 3D की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चल मस्त माहौल में जीने वाला सीन करते हैं। पता नहीं कितना लंबा चौड़ा यार। चल चढ़ जा। ले भाई चढ़ गए हम, अभी पैसे देने पड़ेंगे, बट हमारे पास तो पैसे नहीं है क्योंकि हमें गरीब बाप की औलाद। चल भाई ये हो गया यार, कसम से मैं कंप्लीट पता कैसे कर रहा हूँ। आपको एक बात बताऊँ, आप मज़े की बात ये कि मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ और मैंने वो जो पोजीशन जो सेफ करनी होती है ना, वो सेफ भी नहीं की यहाँ पे पोजीशन मैंने बिल्कुल भी सेफ नहीं की। साला बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम है यार ये तो। अरे दिखड़ा बहुत ही लंबा चौड़ा सिस्टम है, मजाक नहीं सच्ची, बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम है। अगर मैं गिर गया ना मेरी पुंगी बच जाएगी। मेरे को लग रहा है राजू तू एक काम कर यार, पोजीशन सेफ कर ले, भगवान कसम गंदा हो जाएगा। ओ ओ ओ ओ ओ, 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 ओ नहीं भैया, मैं क्या बोलूं। तू चुप रहे। अच्छा दोस्तों मुझे ना यहाँ पे एक बात की समझ नहीं आ रही, मतलब ये क्रॉस कैसे करेंगे यारों, ये कैसे क्रॉस करेंगे। सर हम थोड़ा जादूगर के बच्चे थोड़ी ना, मतलब कि जो ऐसे उड़ के यहाँ से क्रॉस कर लेंगे। ब्रिज भी नहीं है सेंटर में, सर पागल समझ रखे हैं यार। देखो पांचवी क्लास से मैंने स्कूल छोड़ दिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि सुसरा मैं पागल हूँ। रोहित भैया पागल समझ रखा क्या मेरे को, मतलब कैसे मैं क्रॉस करूँगा। हो गया ना, अरे क्या आसान है यार ये तो, ऐसे डर का तू। ओ भाई ये तो आसान है। नहीं थोड़ा पीछे दिखड़ा, थोड़ा और पीछे ले। इसे माँ कसम इसे गंदा हो जाएगा थोड़ा और। हाँ चल अभी चल दिखड़ा। अच्छा भैया वैसे एक बात तो है, ये जो हॉरर मूड बनाया है ना रोहित भैया ने, बनाया कमाल है। मतलब काफी मुश्किल है खेलने में। तेरी माता रा, अबे यार दिल कर रही है, कसम भगवान की मेरा दिल कर रही है मैं अपने आप को ना इसे कसम से कुछ चीज़ लेके ना अपने पेट में घुसेड़ दूँ, बट दर्द होगी भाई इसलिए मैं कुछ करूँगा नहीं सब ऐसा। बट ये गलत है यार, मतलब कितनी बार देखो ना, मैं कितनी बार इसे कर चुका हूँ यार। अभी लोड करके ये तो भगवान ऐसे, मतलब शुक्र है कि मेरे दिमाग में आ गया कि मैंने वहाँ पर सेव कर लिया था भाई, वरना साला ऐसे मेरी मतलब क्या ही बोलूँ अभी मैं, लिटरली क्या बोलूँ। अपनी माँ बहन ही कर रही हूँ, अपने आप को गाली दे रही हूँ। चल अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ए भगवान मेरी मदद करियो अभी, भगवान अभी मेरी रक्षा करियो साला। भगवान मैं क्या करूं यार। चल निकल अभी निकल। अरे निकल गया बस निकल गया। अभी क्या है ये, अबे ये क्या है यार, अभी साला लोचा यार ये तो लोचा नहीं होना चाहिए यार। अच्छा मतलब ये निकलेगा तो मैं भगा दूंगा। हाँ चल भैया ध्यान से, भैया निकलना नहीं चाहिए भाई। अरे नहीं भैया प्लीज के बच्चे फिर नीचे। अभी मैं इसको क्या बोलूं, मार साले का, खोपड़ी तोड़ साले का। अच्छा भाई भगवान कसम अगर मेरे से अभी नहीं ना हो फिर मैं इसको करूंगा नहीं साला। इसे मतलब कितना डिफिकल्ट है यार, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। रोहित भैया ने बनाया ना इसलिए इतना डिफिकल्ट है भाई, कोई नॉर्मल लोग बनाता तो इतना डिफिकल्ट नहीं होना था। अबे नहीं क्या कर रहे तू, अबे क्या कर रहे तुम, घूस पुटो को शर्म हाया होती है कि नहीं साला। मैं पहले रो रही हूँ और तुम ऊपर से और मेरे को रुला रही हो। चल गुजर जा,
अरे भाई मस्त आ गया, अभी अभी मैं उतरू कैसे यहाँ पे भाई, उतर भी नहीं सकता यहाँ पे यार। आराम से आराम से भाई, आराम से भैया, आराम से भैया, भैया आराम से भैया। अरे भैया इसको परे देना, माँ की यहाँ का दिल कर रही है साला, मैं इसे मोबाइल को नीचे फेंक दूंगा कसम से इसका। शांति मतलब कंट्रोल 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 कंट्रोल, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल। अच्छा हमको सिखा रहा है तो भैया यहाँ पे हम कंप्लेन करने के लिए आए हैं। हेलो हेलो अफसर भाई, हेलो। अबे क्या बात है, क्या चीख रही है तू? अरे सर मैं चीख नहीं रहा, अफसर कहाँ है? ए अंधा है क्या, वर्दी पहनी हुई है, मैं अफसर हूँ यहाँ पे। लेकिन सर आपने तो बंदूक पकड़ी हुई है ना? हाँ तो बंदूक वाला अफसर नहीं होता क्या, सारे बेइज्जती कर रही है तू मेरी। अरे नहीं नहीं सर, मैं कह रही हूँ कि मेरे को अफसर को कंप्लेन लिखानी ना, अफसर कहाँ पे? कंप्लेन तू मेरे को बता दे, वो हनीमून पे गए मतलब छुट्टी पे गए हुए वैसे तीनों? क्यों तीनों नहीं जा सकते क्या? लेकिन सर दफ्तर में भी कोई होना चाहिए ना। अबे बारह, अबे सर मतलब सर दफ्तर में कोई नहीं है तो चलो रिपोर्ट लिखो मेरी। लिखवा चल बोल। लेकिन सर लिखोगे कहाँ पे? अबे घूस पीटे तू बोलना, मैं याद कर लेता हूँ बाद में लिख लूंगा। अरे सर वहाँ पे एक रैंप बना हुआ है, मतलब कि वो मेरे से कंप्लीट नहीं हो रही है, मैं बार बार गिर जाता हूँ, उस रैंप को हटाओ या उसको कुछ आसान बनाओ। रिपोर्ट लिखाने आया ना तू? हाँ सर। तेरी बहन की आंख साले आ रहा है, कंट्रोल ऑल इज वेल ऑल इज वेल। अरे सर मैं भी बोलता हूँ ऑल इज वेल कभी कभी। तेरी बहन की आंख मतलब रैंप गलत बनाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे सर उसको हटाओ ना, उसको इजी करो ना थोड़ा, सलाम से कंप्लीट नहीं होता हम लोग से। तेरी बहन की आंख हम सड़कें बनाने वाले लगते हैं तेरे को क्या? नहीं हम सड़कें बनाने वाले लगते हैं तेरे को। अरे सर मतलब फिर भी कुछ करो ना, मतलब मैं 5 बार वहाँ से गिर गया, जो भी बंदा वहाँ पे जाता है गिर जाता है, ऐसे लोगों का नुकसान होगा ना, तो डेवलपर को कहो कि वो जिसने वो बनाया थोड़ा उसको आसान करे। हाँ ये बात तो है यार, इतना तो कहना चाहिए हमको। चल ठीक है मैं करता हूँ कुछ, तू जा। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। सारे पुलिस वाले कहाँ पे दोस्तों, ये तीनों पुलिस वाले कहाँ पे गए हुए, मतलब अफसर मर गए क्या यार? ये अजीब बात है यार। चलो ओए मैं फिर आऊँगा, कल आऊँगा ठीक है। आ जाना आ जाना। चलो दोस्तों अभी निकलते हैं, कल दोबारा आएंगे यार, मतलब अफसर से बात करनी है यार, इस लबूचड़े से बात करके से मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरे को पता ये कुछ भी नहीं करेगा साला, इसको तो अपना नाम लिखना नहीं आता होगा यार। बात तो सही है। हाँ तो दोस्तों मैंने आपको कहा था ना हम दोबारा जाएंगे, और आज अफसर बैठे होंगे शायद। अरे आज भी नहीं बैठे हुए यार, ये क्या तमाशा लगा रखा है इन अफसरों ने यार। सारा ये अफसर कहाँ पे है? ओए हेलो, ओए तू ओए ओए किसको कर रही है साले, अफसर हूँ मैं। अच्छा मेरी कंप्लेन लिखी थी उसका क्या हुआ? कंप्लेन वो मैं भूल गया, अभी कुछ करता हूँ। अबे अभी क्या कर रहे हैं साला, दिमाग खराब कर रखा हुआ है मुझे, तुम ये बताओ कि मतलब हाँ बल्कि ये क्या बताएगा यार, अफसर हैं कहाँ पे, मतलब तीनों अफसर कहाँ पे गए हैं, इनकी माँ की यहाँ दिमाग खराब कर रहे हैं, मतलब यार कुछ भी लिटरली कुछ भी चेपेंगे यार। चलो अभी हम यहाँ से निकल रहे पुलिस स्टेशन, बल्कि मेरा तो दिल कर रहा है पुलिस स्टेशन को उड़ा देता हूँ, चल यार उतर नीचे उतर। अबे छोड़ यार ऐसे पुलिस स्टेशन का क्या करना यार, मैं ऐसे निकल रहा हूँ, मैं दोस्तों उसको कंप्लीट करूँगा, मैं खुद कंप्लीट करूँगा या उसको उड़ा दूंगा यार, ये गलत है यार, मतलब हमसे कंप्लीट नहीं होता यार वो साला, हम नुबड़े हैं क्या? हाँ मैं नुबड़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं नुबड़ा नहीं हूँ, मैं प्रो प्लेयर हूँ भाई, मैं उसको एक दिन कंप्लीट करूँगा, एक दिन आएगा साला मैं उसको कंप्लीट कर दूँगा देख लियो, बट अभी जाकर मैं आराम कर रही हूँ साला, ऐसे मतलब सारी रात वहाँ पे भूतनी के घर के, वो भूतों वाला घर है ना, हाँ भूतों वाला घर है इसलिए मैं उसको भूतनी का घर कहता हूँ, तो भाई वो क्या है कि पत्नियों का आजकल राज होता है ना, तो भूत का घर है तो भूतनी की वहाँ पे वो रानी है ना, तो इसलिए भूतनी का घर, वहाँ पे मैं ऐसे खेल खेल के साला ऐसे गिर गिर के साला मेरा पिछवाड़ा लाल हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर और अभी जाके रेस्ट मार रहा हूँ, उसके बाद दोबारा से प्ले करेंगे। बस आप एक काम करो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसा घर भगवान कसम मेरे को रियल लाइफ में मिल जाए ना तो मेरा जिंदगी सेट हो जाएगा यार, कसम से मेरा गर्लफ्रेंड भी बनने लग जाएगा, अभी तो साला मेरे को ऐसे कोई देखता ही नहीं यार। ए भगवान हमको ऐसा घर दे देना, एक ऐसा घर दे दे ऐसा जिम विम वाला भगवान, जितना मेरा टांग है ना इससे रियल लाइफ में मेरा इतना बॉडी है जितना मेरा टांग का साइज है भाई, ऐसे एकदम कमजोर हूँ मैं, बट ऐसा जिम मिल जाए ना साला, जिम कहाँ मिलेगा, अभी तो मेरे पास पैकेज लगवाने के पैसे नहीं होते भाई। तो भैया काम करो यार, वीडियो देखने के लिए इंडियन मार्क डम थर्टी की मस्त मस्त वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, आज मैंने सिर्फ मस्ती की है, मतलब पहली वीडियो थी ना इसलिए, तो ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, आज से हम स्टोरी टाइप की वीडियोज बनाएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, गुड बाय।